उसी जिले के गांव घिजोली खुर्द में ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी से कोटे की लापरवाही की शिकायत की, जिसके बाद उप जिला अधिकारी ने कोटेदार को निलंबित कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या है यह पूरा मामला और इस कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया गया, क्या कहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल बता दूं आपको, कल जो है कुशीनगर जिले के भुजौली खुर्द ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालयों की जांच के लिए उप जिला अधिकारी महोदय पहुंचे थे, जिस दौरान वहां पे ग्रामीणों ने जो है कोटेदार की शिकायत की, जिसके बाद से कार्रवाईयों के क्रम में उप जिला अधिकारी लेते हुए जो है दुकान को निलंबित कर आगे की कार्रवाईयों में जुटे हुए हैं। अनुराग, कोटेदार क्यों लापरवाही बरत रहे थे और अब क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? सर बिल्कुल बता दूं आपको, जो है कोटे से संबंधित इसमें लापरवाहियां ये थी कि समय से दुकान जो है कोटे की नहीं खुलती थी और लोगों को कई महीने से जो है राशन नहीं मिल पाता था। शुक्रिया अनुराग तिवारी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। सावन के दूसरे सोमवार को ग्वालियर के कोटेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग गई। भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। सीधे ग्वालियर से संवाददाता योगेश का रुख करते हैं। योगेश, सावन का महीना है और सोमवार को भोले बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों का मंदिर में तांता लग गया, क्या कहेंगे आप? ये बाबा का कोटेश्वर का मंदिर है, कोटेश्वर जी शिवजी का मंदिर, सावन का दूसरा सोमवार था यहाँ पर और यहाँ के पंडित जी ने ऐसा बताया जी। औरंगजेब जिन जवानों में 250 साल पुराना मंदिर है, तो ये औरंगजेब आया था तो उसने शिवलिंग की पिंडी जी वहां से खुदवा के और उसको नीचे फेंक दिया था, तो लड़की नीचे आई और स्थापित हो गई, तो उनका नाम कोटेश्वर पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पिंडी की विशेषता यह है कि इस पिंडी में 108 शिवलिंग है जी, 108 शिवलिंग है और यहाँ पर आने वाले भक्त लोग इतनी मान्यता है कि वहाँ जो पूजा आराधना से मन से मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। मंदिर बहुत प्राचीन है और औरंगजेब ने और भी कई अत्याचार किए थे, वे बाबा का शिवलिंग यहाँ स्थापित हो गया। योगेश, भोले बाबा के भक्तों से अगर आपकी बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है सावन के सोमवार को लेकर? सावन का सोमवार को लेकर कहना यह है कि जो मन्नतें वो मांगते हैं वो पूर्ण होती है यहाँ पर, और अधिकांश जो है महिलाएं जो होती है तो सावन के सोमवार वो उपास रखती है अपनी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए। बच्चियां अपने जैसे लड़की जिनकी शादी नहीं हो रही है कन्याओं की, वो बावा के सावन का इतना महत्व है, सावन के सोमवार उपास रख के वहाँ पर उसकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और अजितेश की प्रेम कहानी को लोग भूले नहीं होंगे। प्रेम विवाह के बाद दोनों ने एक वीडियो वायरल किया था। ठीक उसी तर्ज पर मुरादाबाद के भी एक प्रेमी युगल ने प्रेम विवाह के बाद परिजनों से खतरे का वीडियो वायरल किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर नूर हसन जुड़ चुके हैं। नूर हसन, एक के बाद एक प्रेमी युगल प्रेम विवाह का वीडियो वायरल कर रहे हैं और परिजनों से जान का खतरा बता रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए मुसरत जी, जान का खतरा जैसे कि बताया जा रहा है इन लोगों को, ये मैं बता दूं आपको, ये जो मामला है मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र का पूरा मामला है जी। और ये काफी टाइम से वीडियो वायरल हो रहा था लड़का लड़की को लेकर के जी। और यहाँ पर जो है लड़का लड़की ने काफी अब से 2 या 3 महीने पहले भाग करके शादी कर ली थी जी। और जैसा कि लड़की का कहना है कि उनकी तरफ से उनके घर वालों का जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और काफी प्रेशर बनाया जा रहा था लड़की के ऊपर और लड़के के परिवार के ऊपर। नूर हसन, जिला प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए जिला प्रशासन का इसमें क्या कहना है, मुरादाबाद एसपी और एसएसपी साहब और जितनी भी पुलिस प्रशासन है सबका ये कहना है, उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग हमारे पास आते हैं तो इन्हें पूरी पूरी मदद दी जाएगी और जैसा भी है जो भी है इनके साथ कानूनी कार्रवाई, जो मुकदमा दायर किया गया है उसके हिसाब से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जी। शुक्रिया नूर आपका, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे।